इस प्रैक्टिकल में आपको ट्यूबलाइट के कनेक्शन करना सिखाएंगे। ट्यूबलाइट में कनेक्शन करने के लिए आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, ट्यूबलाइट स्टार्टर होना चाहिए, ट्यूबलाइट चौक होनी चाहिए, ट्यूब होना चाहिए और ट्यूब स्टैंड होना चाहिए। ट्यूबलाइट का कनेक्शन डायग्राम आपके बोर्ड पर बनाया हुआ है, ये दिखाइए आप, इधर लेके आओ। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का सर्किट डायग्राम, ये तो है ट्यूबलाइट चौक जो परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ये होता है ट्यूबलाइट स्टार्टर, ठीक। आपको दो तार लेने, एक फेज का दूसरा न्यूट्रल। फेज तार आपको कहां देना है, चौक के एक टर्मिनल में। चौक में दो टर्मिनल होते हैं, दूसरे टर्मिनल से आपको तार उठाना है और आपकी ट्यूबलाइट के फिलामेंट वाले टर्मिनल में देना है, ठीक है। फिलामेंट का दूसरा टर्मिनल से तार उठाया का देना आपको स्टार्टर, फेज हो गया कंप्लीट। फिर आपको एक न्यूट्रल तार उठाना है, न्यूट्रल कहां देना, डायरेक्ट आपको ट्यूब के दूसरे फिलामेंट, दूसरे फिलामेंट से वायर उठाएंगे, कहां देंगे स्टार्टर, ठीक है। तो कनेक्शन डायग्राम आपको फेज लेना है, फेज चौक में देना, चौक से उठाकर आपको एक साइड के किसी भी साइड के एक फिलामेंट में देना, दूसरी साइड का फिलामेंट से उठाया और स्टार्टर में दिया, न्यूट्रल उठाया फिलामेंट में दिया और फिलामेंट के दूसरे टर्मिनल से स्टार्टर में दिया। इसी प्रकार आपको इसके कनेक्शन करके दिखाएं। ये ट्यूब, इसको फिट करने के लिए इस फ्रेम या स्टैंड में क्या होना चाहिए, होल्डर लगा होना चाहिए। तो अपने पास होल्डर है, हटा दे इस होल्डर को, बैठा दे। बंद कर दे। अब आपको ट्यूबलाइट की ओपन वायरिंग करके दिखाएंगे, फिर आपको इस स्टैंड में फिट करके इनको दोबारा कनेक्शन करके बताएंगे। एक बार आपको समझना है ओपन वायरिंग, ये दो ट्यूब होल्डर, तीसरा होल्डर है स्टार्टर होल्डर, ठीक है। इन दोनों साइड में दो दो तार निकले हुए हैं, क्या ये ट्यूबलाइट होल्डर, ये होल्डर पकड़ो इसको, होल्डर में ये ट्यूब को फंसाई जाती है और फंसाने के बाद पकड़ो इधर से होल्डर को पकड़ लो, एक होल्डर ये अपना, इसको ही फंसा दिया। अब दोनों साइड में दो दो तार निकल रहे हैं, ठीक है। अब होल्डर से एक एक तार लो, दोनों होल्डर से एक तार उसका भी, इसमें तो आपको जोड़ना है स्टार्टर, ये स्टार्टर और ये स्टार्टर होल्डर, स्टार्टर होल्डर में क्या लगाना आपको स्टार्टर, ये स्टार्टर होल्डर इसमें लगा दिया स्टार्टर होल्डर, फिट हो गया ना, ये तार तो फ्री हो गया। अब एक एक तार बचा है दोनों होल्डर से, एक तार में तो डायरेक्ट आपको न्यूट्रल देना है, ठीक है। दूसरा तार इस चौक में लगाना है, एक साइड में तो अपन फेज देंगे और फेज से ये फेज इस लैंप ट्यूबलाइट को फेज देगा, इस चौक को आपको श्रेणी क्रम में संयोजित करना है, चौक में दो टर्मिनल हैं, एक साइड में तो ट्यूब होल्डर वाला वायर लगाना है और दूसरी साइड में
फेज वायर लगाना है, ये फेज वायर हो गए। अपने पास दो तार आ गए निकलकर, एक फेज का है दूसरा न्यूट्रल का। ये फेज का वायर कहां गया, चौक में, चौक से दे दिया होल्डर में, होल्डर से निकाला स्टार्टर में। दूसरा न्यूट्रल का वायर लिया कहां दिया, ट्यूब होल्डर में, ट्यूब होल्डर से दूसरा वायर निकाला कहां दे दिया, स्टार्टर में। अब इन दोनों में आप सप्लाई दोगे तो ये ट्यूबलाइट जलेगी, दो सप्लाई अलग अलग पकड़ो वायर को और दोनों को टच करो। जल गई ट्यूबलाइट, दिख रही है आपको, कनेक्शन समझ में आ गया। ये तो इसका ओपन सर्किट, आपको समझाने के लिए बाहर इसका कनेक्शन किया है। और अब यही कनेक्शन आपको कहां करना है, इसी स्टैंड के माध्यम से, और फिर इसको यहां से फिट करके और आपको अपने वर्कशॉप में जहां भी जो ट्यूबलाइट खराब हो वहां इसको लगाना है। ठीक है, कर दोगे अब? ठीक है।